हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं सैमसंग का मतलब, इनका माना क्या है? और इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको कुछ सैमसंग के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, जो कि जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सैमसंग कब स्टार्ट हुआ था, कितने स्टाफ के साथ स्टार्ट हुआ था, अभी कितने स्टाफ है और क्या क्या बड़े काम करता है सैमसंग, और इसके अलावा भी कुछ बड़े बड़े इंटरेस्टिंग बात है सैमसंग के बारे में, जो कि आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सो ये सब जानने के लिए बस इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है शमसुल आलम, टेक्निकल आलम चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सैमसंग का मतलब क्या है। सैमसंग का मतलब यानी कि सैम का मतलब है थ्री, संग का मतलब है स्टार, थ्री स्टार, सैमसंग का मतलब है थ्री स्टार। तो उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि एक कंपनी कब स्टार्ट किया था और किसने स्टार्ट किया था। 1 मार्च 1938 में ली बंगचाल ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और तब उसके पास सिर्फ 40 स्टाफ था, और अभी अगर देखा जाए तो 3.5 लाख से भी ज़्यादा इसके पास, सैमसंग कंपनी के पास स्टाफ है। नेक्स्ट, आई होप सभी लोग जानते हैं बुर्ज खलीफा के बारे में, जैसे कि दुबई में स्थित है सबसे बड़ा बिल्डिंग, ऊँचा बिल्डिंग है। और ऐसा सैमसंग कंपनी क्या करते हैं, बुर्ज खलीफा में जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं सारे के सारे सैमसंग कंपनी संभालता है। तो ये भी एक सैमसंग कंपनी का इंटरेस्ट वाली बात है कि इतने बड़े जो सारे वर्ल्ड में जो फेमस है बुर्ज खलीफा, तो उसका काम जो सैमसंग कंपनी संभाल रहा है। इसके अलावा सैमसंग बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाले काम करते हैं, जैसे कि आईफोन मोबाइल और एप्पल कंपनी जो है, तो इसमें भी सैमसंग शामिल है। जैसे कि बहुत सारा प्रोडक्ट आईफोन मोबाइल या तो आईपैड बनाते हैं, तो इसमें क्या करता है, जो जितने भी कुछ पार्ट्स होते हैं इन सब मोबाइल बनाने में, तो बहुत सारा पार्ट्स सैमसंग संभालता है, सैमसंग बना के देता है एप्पल कंपनी को और वो लोग मोबाइल बना लेता है। सो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं। और सैमसंग जो बहुत एक अच्छा ब्रांड है और दुनिया में फैला हुआ ब्रांड है और लोग आसानी से इस पर भरोसा कर लेते। सो आई होप सब कुछ समझ में आ गया है, और फिर से कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।